हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मिस्टर इंडियन टेक अनबॉक्सर में। मेरा नाम है सागर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ हैं आपके सामने। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं सनसेट लैंप। तो देख सकते हैं आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये आजकल देख रहा हूँ वीडियोज़ में बहुत यूज़ हो रहे हैं। तो सोचा कि आपको मैं बता दूँ सबसे चीप और अच्छा सनसेट लैंप कौन सा है। तो ये मैं सोचा कि अनबॉक्स करके भी दिखा दूँ और लाइट्स वगैरह भी कैसा है इसका और क्वालिटी कैसा है, सोचा कि अनबॉक्स करके दिखा दूँ तो आपको अच्छा लगेगा। और देख सकते हैं, तो अगर इसका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं, और ये एक रिमोट कंट्रोल है, तो जिससे कि आपको कहीं भी उठकर जाना नहीं पड़ेगा लाइट्स चेंज करने के लिए, और आप सीधे रिमोट से चेंज कर सकते हैं लाइट्स वगैरह। देख सकते हैं इसमें अलग अलग हमें दे रखा है, रेड, रेनबो, सन और बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, और बहुत सारे एक्चुअली में कलर्स होते हैं। तो ये रिमोट से हमें मालूम चलेगा कौन कौन से कलर्स हैं। तो देख सकते हैं, तो बात करें इसकी प्राइस की तो वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो स्वागत है आप सबका मिस्टर इंडियन टेक अनबॉक्सर, मेरा नाम है सागर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं मिस्टर इंडियन टेक अनबॉक्सर, लेट्स अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रांडिंग की है सनसेट लैंप एजुरेट। अब ये पता नहीं क्या है, मॉडल नंबर है पता नहीं क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कुछ दे रखा है, देख सकते हैं रेनबो, सनसेट, सनसेट रेड, सन, बहुत सारे ऑप्शन है। और यहाँ भी सेम चीज़ें लिखी हुई है, सनराइज, ऑरेंज, रेनबो, ब्रिलियंट रेड, सनसेट रेड, और यहाँ पर पता नहीं गिफ्ट मैक्स लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए, तो देखते हैं। तो देख सकते हैं, और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी सील वगैरह तो नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ये आई थिंक हमारा लैम्प, यही लैम्प है हमारा, और इस और ये रहा इसका रिमोट, और ये रहा इसका स्टैंड। तो कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, इसको आई थिंक इस तरीके से हमें लगाना है, पता नहीं लग जा, कुछ समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स ये। लग गया फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें इसको इसमें लगाना है, रिंग टेढ़ा लग रहा है, ऐसा देखते हैं। और ये कुछ ऐसा है, और सनसेट का लैंप देखते हैं, सनसेट का लैंप हमारा कुछ ऐसा दिखता है, इसमें काफ़ी बड़ा सा देख सकते हैं, बॉल जैसा दिख रहा है, बॉल जैसा इसके अंदर कुछ है, काफ़ी बड़ा है, और आई थिंक ये निकल जाएगा, ये आई थिंक ये सही से यहाँ पर ये फिट नहीं बैठा है, तो ये आई थिंक ये निकल जाएगा फ्रेंड्स ये। तो देखते हैं निकलता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स निकल गया, देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है फ्रेंड्स ये, अब गलती से निकल गया देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से इसमें फिट नहीं बैठा था, और कुछ ऐसा दिखता है इसमें, इसके अंदर एक ही बल्ब है हमारा, सिर्फ एक सिंगल बल्ब है देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आईसी वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे रखी है, और ये कुछ इस तरीके का लगाने पर देखते हैं कि कितना बड़ा इसके अंदर दिखता है हमें, देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लगा देते हैं वापस से, और सनसेट के मजे लेते हैं इसको लगाकर वापस से, हम इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं हम, ताकि हम सनसेट के मजे ले, इससे हमें क्या करना है। तो और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लग जाएगा, देख सकते हैं। तो लग जा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा सनसेट अब लैंप तैयार है, देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है सनसेट लैंप। तो और ये रहा इसका बटन भी यहाँ पर एक दे रखा है, और ये यूएसबी केबल दे रखा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है यूएसबी केबल, क्योंकि आप इसे कहीं भी लगा कर यूज़ कर सकते हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यूएसबी वाला केबल जो दे रखा है, इसे आप कहीं भी पावर बैंक या फिर चार्जर में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी या फिर लैपटॉप के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि मैं अभी पावर बैंक यूज़ करने वाला हूँ फ्रेंड्स फिलहाल, तो अभी देख सकते हैं ये पावर बैंक मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए इस लाइट्स को नीचे घुमाते हैं और देखते हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, देखते हैं अब इसका रिमोट काम करता है कि नहीं।
तो ये ऑफ ऑन वाइट देख सकती, ये वाइट हो गया, ये रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज लाइट ऑरेंज और से भी, और ये रहा येलो। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। फ्लैश आई थिंक ये पता नहीं किस चीज़ के लिए, अच्छा ये हल्का हल्का फेड स्मूथनेस के लिए देख सकती है, स्मूथ देख रहे हैं। और ये फ्लैश फ्लैश काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, ये फ्लैश वाला बटन जो वर्क नहीं कर रहा है। स्ट्रॉप तो स्ट्रॉप भी नहीं कर रहा है, फेड काम कर रहा है और स्मूथ काम कर रहा है, वाइट भी कर रहा है, बस ये फ्लैश और स्ट्रॉप ये दो काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ये इसमें कैसा दिखता हूँ, लाइट्स को ऑफ करते हैं उसके बाद देखते हैं कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं अंधेरे में कैसा दिखता है ये, और थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इसको, हम बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये इतना ही होता है, देख सकते हैं कुछ ऐसा है, देख सकते हैं ये। और ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये कॉर्नर्स हैं जो देख सकते हैं ये ऑरेंज या फिर इस टाइप में दिख रहा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पूरा रेड कर देते हैं, ये पूरा रेड हो गया देख सकते हैं, अंधेरे में तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी ब्राइट भी लग रहा है। थोड़ा लाइट जल रहा था तो कम दिख रहा था, ब्राइट ज़्यादा नहीं दिख रहा था। और देखते हैं रेड करने पर ये पूरा पूरा रिमोट का बटन एक जैसा दिख रहा है, जो ब्लैक कलर के वो तो दिख जा रहा है, बाकी सब एक जैसा ही दिख रहे हैं। और ये ब्राइटनेस कम करने के लिए और ये बढ़ाने के लिए देख सकते हैं, ये फुल ब्राइटनेस है, ये येलो हो गया, ये और ये पिंक हो गया, ये देखते हैं ये ब्लू, ये कुछ कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये कौन सा कलर है देखते हैं, ब्लू कलर है फ्रेंड्स। तो और यहाँ पर देख सकते हैं और भी कलर से येलो, आप देख सकते हैं ये हर कलर में आप कोई सी किसी भी कलर में रिमोट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। और ये पूरा रेड करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कितना भयानक या फिर अजीब सा या फिर कैसा दिख रहा हूँगा, मुझे खुद नहीं पता है, देख सकते हैं। और मुझे डायरेक्ट ये आंखों पर आ रहा है लेकिन अब वीडियो में दिखाना पड़ रहा है इसीलिए, तो देख सकते हैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए तो देखना पड़ेगा लेकिन आंखों में भी असर हो सकता है, आप डायरेक्ट इसके थ्रू मत देखिएगा इतना, वो भी नज़दीक रख कर। तो मैंने काफ़ी नज़दीक रखा हुआ है लाइट्स को, देख सकते हैं कैमरे में पता नहीं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया है कितना ब्राइट हो सकता है, देख सकते हैं ये। और आप इसके एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे यहाँ पर, और ये पूरा अभी ब्राइटनेस इसका कुछ कम हो गया, देख सकते हैं ये सबसे कम ब्राइटनेस है ये, और फुल करने पर ऐसा है, देख सकते हैं पूरा फुल हो गया ये ब्राइटनेस। और भी कलर्स देख सकते हैं, मैं ब्लू हो गया, ग्रीन, ये लाइट ग्रीन, और ये आई थिंक स्काई कलर है, और ये भी कुछ ऐसा ही है, और देख सकते हैं ये पिंक है फ्रेंड्स, पिंक देख सकते हैं। आजकल इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है फ्रेंड्स रील्स वगैरह में या फिर यूट्यूब के लिए ऐसा कुछ, तो इसलिए सोचा कि आपको ये लाइट भी दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं। और लाइट्स के हिसाब से मैंने एक और अलग अलग से वीडियोस बनाए हैं कुछ, जैसा कि मैंने नियॉन लाइट की अनबॉक्सिंग की थी फ्रेंड्स, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन वीडियोस का, और नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, आई नोटिफिकेशन में देख सकते हैं वहाँ से जाकर, तो देख सकते हैं आप ये। तो चलिए अब देखते हैं लाइट्स को ऑन करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं उसके बाद लाइट्स ऑन रहते हैं तो कितना ब्राइट रहता है, क्योंकि ये तो लाइट्स ऑफ थी इसलिए इतना ब्राइट था, तो अब देखते हैं लाइट्स ऑन होने के बाद कितना ब्राइट होता है। सो फ्रेंड्स जैसा कि अब आपने देख लिया होगा ये लाइट्स अब पूरा लाइट्स ऑन हो गया रूम का, तो अब कैसा दिख रहा है अब आप देख सकते हैं कैमरे में, और ये मैंने फुल ब्राइटनेस कर रखा है, तो ये ऑफ हो गया गलती से, ऑन हो जा, ये फुल है, अब फुल हुआ है देख सकते हैं। और ये फुल होने के बावजूद लाइट्स के बाद भी कैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, तो ये ग्रीन है, ये ऐसा है, ये ऑरेंज हो गया, ये देख सकते हैं ये सब लाइट्स धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ, और ये फेड देख सकते हैं ये,
ऐसा है और ये कुछ ऐसा है, देख सकते हैं स्मूथ है ये फ्रेंड्स, ये वाला, ये अलग अलग कलर्स ऑटोमेटिक चेंज करते रहता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये वाला। तो ये चीज़ ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। और अगर आपको ये बाय करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इसके एक्चुअल प्राइस क्या है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस है फ्रेंड्स 399 400 रुपीज़ का है फ्रेंड्स। आप इसे बाय कर सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं एक्चुअल प्राइस क्या है उस समय, तो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं, तो हमारा वीडियो था अब यहीं पर समाप्त। सो थैंक यू एवरीवन।